हाँ जी कैसे हो आप। तो ये रील बनाना काफी आसान है और इस रील को हर कोई बता रहा है कि किस तरीके से बनाना है, लेकिन इस रील को बनाते समय किस बात की अपन को दिक्कत होती है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। साथ में ये रील तो बनाएंगे ही, तो चलते हैं और रील को बनाना सीखते हैं और कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है उसको किस प्रकार से सॉर्ट आउट करना है वो भी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कैपकट एप्लीकेशन के बारे में। कैपकट एप्लीकेशन आपने अगर डाउनलोड नहीं कर रखा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर मैं आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे इस रील को बनाने के लिए अपन को एक वीपीएन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वीपीएन में यहाँ पे ट्रूबो वीपीएन यूज कर रहा हूँ और काफी दिन से यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छा वीपीएन है। इसे आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा और इसे कनेक्ट कर लेना होगा। तो ऑलराइट, ये अपन दोनों चीजें डाउनलोड कर लेने के बाद में अब अपन रील पे चलते हैं। रील बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो ये पजल वाली में लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आपको उठाना है और इस पे आपको चले जाना है। तो मैंने इसको सेव कर रखा है, तो मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ कि अपन को करना क्या होता है। बेसिकली तो ये वाली जो लिंक है मैंने इसको ओपन कर लिया है और जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। नाउ जैसे ही आ जाता है इसके बाद नीचे जाना और यहाँ पे आएगा यूज टेम्पलेट ऑन कैपकट, तो बेसिकली इस पर क्लिक करना। और अगर आप कैपकट के ओल्ड यूजर है तो आपको क्या करना होगा, इसका नया फॉर्मेट लेना है। इसके बाद ये जो मेरे फोन के अंदर डायरेक्ट से आ जाता है, आपके फोन के अंदर ये डायरेक्ट से नहीं आता, इसका रीजन रहेगा आपका इंटरनेट। तो आपका इंटरनेट काफी तगड़ा होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो इंटरनेट है मैं वाईफाई से एक्सेस कर रहा हूँ। अगर आप अपने नेट से एक्सेस करते हो तो ये बेसिकली नहीं चलता या फिर काफी टाइम लग जाता है। तो ये एक इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से ये रील आप नहीं बना पा रहे। तो इसको आप यहाँ से शॉर्ट आउट करेंगे या आप अपना जो कोई भी दूसरा मोबाइल फोन है उससे आप वाईफाई को कनेक्ट कर लीजिएगा। ये करने के बाद में आपको यूज टेम्पलेट पे बेसिकली क्लिक करना, जैसे क्लिक कर देते हैं आपका ये फॉर्मेट। सो यहाँ पे अपन को 50 क्लिप्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो आप फोटो वाले सेक्शन के अंदर जाके अपनी जो भी अच्छी अच्छी फोटोज है उसको आपको डाल लेना होगा। तो मैंने अपनी 50 फोटोज है वो यहाँ पे इसके अंदर डाल लिए। डालने के बाद में बेसिकली एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक करना। नाउ जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे ये आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद में आपको वापस से कैपकट के अंदर आना और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना और इससे के बाद में जो आपका वीडियो आपने बनाया है उसको सेलेक्ट कर लेना और एड वाले पे चले जाना। नाउ जैसे एड वाले पे चले जाएंगे ये वो जो 5 सेकंड का वीडियो है वो आ जाता है। इसके बाद में इसको क्या करना, आपको म्यूट कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो अपन सॉन्ग यूज में करने वाले हैं जो इंस्टाग्राम पे एक्चुअल में वायरल है उसको यहाँ पे डालना होगा। तो उसके बाद में उसको सॉन्ग को कैसे लेना है, आपको यहाँ पे मैंने एक उसी का वीडियो डाउनलोड कर रखा है तो उसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा ऑडियो फॉर्मेट में। तो ऑडियो वाले पे क्लिक करूंगा, ऑडियो पे क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट पे जाऊंगा। एक्सट्रैक्ट पे जाने के बाद में जो मैंने सॉन्ग ले रखा है वो वाला ये है, इसके बाद एड वाले पे क्लिक करना। जैसे एड वाले पे क्लिक करेंगे ये आपका सॉन्ग एक्सट्रैक्ट हो गया, इसके नीचे एज इट इज आ जाएगा और ये 5 सेकंड की रील है वो यहाँ से रेडी हो जाएगी। रेडी हो जाने के बाद में बेसिकली एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे ये डन पे क्लिक कर देना और आपकी जो ये रील है वो बन के तैयार हो जाएगी। नाउ इस तरीके से ये रील को बनाया जाता है। और अगर रील बनाना समझ में आ गया है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक you